इश्यूज बड़े हॉट हैं आजकल, जी जी और अभी जो पीटीए के अंदर एक इख्तलाफात की बातें होती हैं बार बार, और हकीकत भी है, वो फिर बाहर मजीद इसलिए आई हैं कि जलसा कैंसिल हो गया है। अलीमिया खान साहब ने एक ऑडियो लीक हुई थी जिसकी आज उन्होंने तस्दीक की है, और उन्होंने कहा है कि वो मेरी आवाज़ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आज़म स्वातीन मिल नहीं सकते थे खान साहब से, और खान साहब ने जलसा कैंसिल नहीं करवाया। लेकिन खान साहब ने आज बात करते हुए मीडिया से कन्फर्म किया है कि जलसा उन्होंने ही कैंसिल करवाया। दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर पे बहुत इल्ज़ामात पीटीआई के सोशल मीडिया लगा रहा है, हकीकत क्या है, किसने और क्यों करवाया? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अलीमा खानम साहबा ने जो स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि उस दिन उनकी मुलाकात नहीं थी ना मेरी मुलाकात थी, हर देखने वाला यही समझ रहा था कि गलत जो है वो इस तरह से इस मौके के ऊपर ये गलत फैसला, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हम पूरा चार्ज थे और तमाम वर्कर्स, तमाम लोग इस वक्त तैयारियों में थे और आ रहे थे, गिरफ्तारियां, छापे, सारा कुछ वो बर्दाश्त करके कंटेनर्स लगाए गए थे, मोटरवे बंद की गई थी। वर्कर्स बड़े मायूस हैं आपके गुस्से में? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हम खुद बड़ा इस हवाले से जब पता चला तो मैं खुद बड़ा अपसेट हुआ। इसी तरह से कोर कमेटी का हर मेंबर और हर शख्स ये था कि ये होना चाहिए था। इमरान खान साहब भी इस हवाले से कोई खुश नहीं है कि ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन जो सूरत हाल थी उस सारी सूरत हाल के अंदर जो फैसला किया गया, क्योंकि जब उन्हें इतला मिली इस हवाले से कि 9 मई का एक दोबारा प्लान बनाया गया, और नंबर टू ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ख़त्म नबूवत है वहाँ पर जो जितनी मजहबी जमातें हैं वो सारी आई हुई थी, तो लिहाजा उस सारे सिनेरियो को देखते हुए कि कोई नया हंगामा और नई ऐसी चीज़ ना हो जाए इंतशार। लेकिन अलीमा खान की बात में वजन तो है कि कैसे मुलाकात इतनी सुबह सुबह हो सकती है बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, तो इस्टेब्लिशमेंट से रबते बहाल हुए हैं, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि शायद बहाल हुए हैं रबते। देखें, इस हद तक अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले मेरा ख्याल में सवाल उनसे होना चाहिए जिनकी हुकूमत है फार्म 47 के मुताबिक जिन्हें बनाया गया। खान साहब ने आज कह दिया मैं फार्म 47 की हुकूमत से तो बात ही नहीं करता। वही बात है, तो उन्होंने उनसे बात नहीं की, वाज़े कर दिया है कि बात मेरी उन्हीं से हुई है जिनसे हो सकती है, साथ उन्होंने यही कहा इसी बात की नून लीग को परेशानी भी है। देखिए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि रात को 1 बजे कॉल आना, और फिर कॉल आकर उनको खान साहब ने जैसे बुलाया है और वहाँ पर किसकी कॉल आई रात को 1 बजे? देखिए, रात को 1 बजे डेफिनेटली जो है बरिस्टर गौर साहब को कॉल आई, आपके हमारे जो हैं वो CMKP हैं उनको कॉल आई, हमारे खान साहब की नहीं, नहीं खान साहब की नहीं कॉल आई, खान साहब से तो बात नहीं करवाते ना। डेफिनेटली जो है उन्होंने फ़ोन किया जेल से कि आपसे मिलना चाहते हैं आप आएँ, और कहीं और से भी कॉल आई होगी। तो ये जो बरिस्टर गौर को और आज़म सवाती को, बरिस्टर गौर को और आज़म सवाती को, ठीक है, 1 बजे रात को कॉल आई कि सुबह आपकी खान साहब से मुलाकात है और आप मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, आप आएँ और आपसे मुलाकात कराई जाएगी। ठीक है, जब मुलाकात हुई तो डेफिनेटली वहाँ पर सारी सूरत हाल, जो खान साहब ने आज स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने कहा है कि मैंने आखिरी टाइम जो है वो कहा है कि हम आखिरी दफ़ा जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि ये सारी सूरत हाल, हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई इंतशार हो इनकार की, और ये चीज़ करके खान साहब ने मैसेज क्या दिया है कि हम पुरामन जमात हैं। खान साहब ने कहा है आज भी कि 28 सालों में हमारी जो सियासत रही, जो हमने जितनी पॉलिटिक्स की है, उसके अंदर एक गमला नहीं टूटा पूरे टेन्योर के अंदर। ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, खैर इस पे हम नहीं जाते। ये बताइएगा, आपने अभी बात की पुरमन जदोजहद जी, आप खुद वकील हैं, रूल ऑफ लॉ पे इसका मतलब आप यकीन करते हैं, तो ये जो बात हो रही है कि जलसा करेंगे, बहुत सारे जलसे करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे खान साहब को रिहा करवाने के लिए, इस इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक क्या है, लोगों के बाहर आने से और खान साहब की रिहाई से? क्या आप अडियाला जेल का घेराव करेंगे और अंदर घुस जाएंगे, खान साहब को बाहर निकाल लेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जितने केसेस हैं खान साहब के ऊपर वो लीगल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू यह है कि जब पॉलिटिकली डाला गया है तो पॉलिटिकली ही तरीके से खान साहब की, मतलब यही है कि आप जेल तोड़ देंगे? देखें, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ। पहली बात यह है कि खान साहब के लीगल केसेस, इस वजह से मैं नहीं कह रहा कि वो लीगल केसेस जो हैं वो नहीं हैं, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब एक केस से रिहा होते हैं दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो पॉलिटिकली इसका मैं देख रहा हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर रिहाई मुमकिन है कि जब आवाम जो है सड़कों पर निकलेगी एहतजाज, जब भी कोई गलत काम होता है, फॉर एग्जांपल रिजर्व सीटें नहीं मिल रही, तो आईने पाकिस्तान हमें हक देते हैं हम एहतजाज करें, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत फैसला आता है हमारा हक है, अगर जजेस को डराया जाता है धमकाया जाता है तो हमारा हक है कि आज़ाद अदली, तो मतलब आप हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, मतलब वही कि रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप जेल जाके खान साहब को खुद भी रिहा करवा सकते हैं? देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि हमने जेल के सलाखों के दरवाजे तोड़ने हैं, और अगर खान साहब कानून और आईन को ना मानते होते तो कभी किसी अदालत के अंदर पेश ना होते, वो तो अदालतों में पेश होते हैं, उन्होंने सरेंडर किया कानून के सामने, लोग सड़कों पे आएंगे जी, ठीक है, और खान क्योंकि ये गैर उन्हें सियासी तरीके, सियासी केसेस हैं तो सियासी तरीके से ख़त्म होंगे, मतलब यही है
कि लोग सड़कों पे आएंगे सियासत के ज़रिए और फिर वो इस सारे निज़ाम को तहस नहस कर देंगे, खान को बाहर निकाल देंगे। ठीक, देखें केपी में आज जलसा हुआ, कहीं पर तहस नहस हुआ, हमने जिस जगह पर जलसा किया आप हमें, मैं तो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं वही गुजरात वाला जेल है ना इधर करीब। देखें हमने तीन जगह दी थी कि ये तीन जगहों के ऊपर हम एहतजाज करना, हमें हमारी मर्जी के मुताबिक जगह का इंतखाब नहीं करना। मैं लिंक समझना, मैं बात मैं वही कह रहा हूँ आपकी बात से, तो हम चाहते हैं कि जलसा करें। चाह रहा हूँ कि लोगों के सड़कों पर आने से खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी, मैं वो मुझे वो थोड़ा वो रिहाई ऐसे मुमकिन है जैसे आप देखें कि TLP आई है, जमात इस्लामी, आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बैठे रहे, धरना दिया, उन्होंने अपने कहा कि हम इसलिए हैं कि महंगाई कंट्रोल हो, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई या टैक्स लगाए गए, बैठे तो उनकी क्या डिमांड थी, फिर उनकी डिमांड उनके साथ बातचीत की गई, उनके साथ कहा गया कि हम इसको करते हैं, लेकिन वो उठ गए, उन्हें नहीं उठना चाहिए था, उन्हें नहीं उठना चाहिए था। उनकी डिमांड अगर ये होती ना कि फार्म 47 की हुकूमत को हटा दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इस वक्त तो आप TLP मॉडल फॉलो करेंगे जिसमें आप आके बैठ जाएंगे कि खान को रिहा करें जिस भी तरीके से रिहा हो, तो ये तो जनरल फैज मॉडल है, फिर तो बात ठीक है। नहीं देखें बात यह है कि जलसे करना, एहतजाज करना, धरना देना या कुछ भी करना, ये एक आपका आइनी राइट है। हाँ। और आप उस वक्त करते हैं जब आप समझते हैं कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। तो हमारा जो कॉज है, हमारा जो मकसद है, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, उसके अंदर खान साहब की रिहाई भी है, उसके अंदर हमारा मैंडेट भी वापसी, उसके अंदर जो धांधली डाका डाला गया उसके मुताबिक जो हुकूमतें बनाई गई हैं वो भी सारा शामिल है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर है। इत्तेहादी नाराज़ हो गए हैं जो इस जलसे में तहरीक आइन तहफ़ तहरीक तहफ़ आइन पाकिस्तान वो नाराज़ हो गए कि उन्हें आपने इत्माद में लिया जलसा कैंसिल करने से पहले, और महमूद अचकज़ई वहाँ पहुँचे भी, तो आप नहीं समझते कि आपके इस सियासत को नुकसान पहुँचा जलसा कैंसिल करने से? देखिए बिल्कुल इत्माद में लेना चाहिए था, और ये बात कोर कमेटी के अंदर भी डिस्कस हुई, और ये बात जो है नेक्स्ट जो है इस हवाले से भी ये प्लानिंग बनाई गई कि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो फौरन जो है इस तरह का। देखें उस टाइम भी ये सूरत हाल थी कि हम बिल्कुल तैयार थे, और अली मीन साहब भी पूरी तैयारी के साथ KP से आ रहे थे, सारा उनके पास सामान था जिसमें कंटेनर भी थे, साउंड सिस्टम भी था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जब हमने यहाँ पर जलसा करने के लिए प्रोग्राम बनाया था तो कंटेनर भी उठा लिया गया, हमारे जितने वो सारा उधर बैनर्स थे सारे हर चीज़ उतार लेते हैं, तो हमने ये प्लान बनाया था कि एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन उस टाइम अंदर अगर हम उनसे उस तरह से उनको एतमाद में नहीं ले सके तो वो हमें है कि हमें एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन उस वक्त जो है अचानक जिस तरह से हुआ, हंगामी सूरतेहाल बनी हुई थी, तो उसके बाद अच्छा, लेकिन नाराजगी नहीं है उनकी, क्योंकि नाराज हो गए। KP के वज़ीर-ए-आला की बात की आपने, आपकी जमात ने और आपके कायद ने इमरान खान ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं हकूमती रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, तो खान साहब अली मीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, करेने वो लेके आ रहे थे, एम्बुलेंसेस सारी सूबे की सूबाई हुकूमत की, उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, पूरा प्रोटोकॉल जो है और सरकारी जो गाड़ियाँ हैं और जो सरकारी तेल है, आपके ख्याल में एक सियासी जलसे के लिए ये सब इस्तेमाल करना जायज़ है? सच सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। देखिए पहली बात यह है कि जो तेल लगता, जो अखराजात होते, वो डेफिनेटली अली अमीन साहब ने, पार्टी ने अपनी जेब से देने थे। कोई सबूत देखिए आए नहीं है ना, जब आते अखराजात आते तो हम जो है उसका आपको सबूत भी दे देते। स्वाबी तक तो पहुंची नहीं सारी चीजें? नहीं आई स्वाबी तक तो पहुंची? नहीं नहीं उधर ही रहे वहां, स्वाबी तक पहुंची नहीं, है नहीं नहीं तो चले वो इस्तेमाल, उनका सिर्फ फ्यूल ही इस्तेमाल होता है। देखिए फ्यूल के अलावा भी जो उनका रेंट है या जो उनकी चीजें हैं वो डेफिनेटली हमने उसको अपने सबूत देंगे आप। देखिए जब इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल होने के बाद आपको सबूत दे देंगे देंगे, ये बात है बिल्कुल।